हेलो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न हाउ टू स्पीक अ स्टोरी इन पास्ट टेंस एंड हाउ टू आस्क क्वेश्चंस एंड हाउ टू आंसर देम। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं पास्ट इनडेफिनिट टेंस आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। आज इसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आपको प्रैक्टिस करनी है। वो कैसे प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको बताऊँगी। जो आप स्कूल, चाहे आप स्कूल गोइंग गर्ल हो, बॉय हो, या ऑफिस गोइंग गर्ल बॉय हो, या हाउस वाइफ हो, आप अपनी एक स्टोरी क्रिएट कीजिए। ये तो मैंने एक फेक स्टोरी क्रिएट की है, आप अपनी रियल स्टोरी क्रिएट कीजिए, ठीक है। उसके बाद उसको लिखने के बाद आप उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं आता, आपको समझ में नहीं आता कि आपको कौन बताएगा कि ये लाइन सही है ये गलत है, तो आप क्या कीजिए, एक लाइन लिखिए, उसे गूगल पे डालिए, फिर वो आपको हिंदी बताएगा, उसकी इंग्लिश बताएगा, उसको लिखिए। अगर आपको सेकंड फॉर्म नहीं आती है तो भी आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे पता कीजिए कि अगर इसकी सेकंड फॉर्म क्या है। जो भी सेंटेंस आप डालोगे, जो भी वर्ड आप डालोगे, उसमें उसकी सेकंड फॉर्म को जानने की कोशिश करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ही करते रहोगे धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो प्रॉब्लम्स है वो तो क्लियर हो जाएगा, साथ साथ आपको और भी ज़्यादा नॉलेज होगा, ठीक है। तो ये मैंने एक फेक स्टोरी क्रिएट की है, आप रियल स्टोरी बनाइए अपनी, जो सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी करते हो उसे बनाइए और अच्छे से अच्छे ज़्यादा सीखिए, ओके। तो आइए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह आज सुबह मैं 5 बजे उठा। एज़ यूजल वॉक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। एट एक प्रेपोजिशन है जो हमेशा टाइम के साथ यूज़ होता है, टाइम से पहले लगता है, ठीक है। एज़ यूजल क्या है, एक फ्रेज है जो हमेशा की तरह के लिए यूज़ होता है। उसके बाद वर्ब में सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस है। पास्ट इनडेफिनिट टेंस पता कैसे चलेगा वो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके सेंटेंस के पीछे उठा, बैठा, गया था, लिया था, इस तरह से सेंटेंसेस आते हैं, ओके। फिर क्या होगा, मैं फ्रेश हुआ और चाय पी और पार्क में चला गया। अब मैं फ्रेश हुआ, इसको आई वॉज फ्रेश भी बोल सकते हैं, आई गॉट फ्रेश भी बोल सकते हैं, आई वॉज फ्रेश भी बोल सकते हैं, आई हैड फ्रेश भी बोल सकते हैं, या फिर आई फ्रेशनड अप एंड ड्रैंक टी एंड वेंट टू द मार्केट या पार्क चला गया। जब मैं पार्क में पहुंचा तो मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की। व्हेन आई अराइव्ड एट द पार्क आई डिड अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। अब डू का क्या आ गया सेकेंड फॉर्म, डिड आ गया, ठीक है। अचानक से मम्मी का फ़ोन आया। अचानक ले क्या बोलते हैं हम, सडनली। मैं घर आया तो सडनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई मदर। अचानक से क्या आया, मम्मी का फ़ोन आया। मैं घर आया, आई केम होम। मैंने देखा मम्मी नाश्ता बना रही थी। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो गया, चेंज हो गया है। गया था, उठा था, बैठा था, ये जब ये सेंटेंसेस आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पास्ट इनडेफिनिट है। या फिर या था नहीं भी आता है तो उठा, बैठा, लिया, दिया, ये जो सेंटेंसेस आते हैं ये भी पास्ट इनडेफिनिट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे था नहीं भी पीछे से आएगा पर एक्शन तो कंप्लीट हो चुका होगा ना। तब जब एक्शन कंप्लीट हो गया तो पास्ट इनडेफिनिट है। मगर यहाँ पे देखो, मैंने देखा मम्मी नाश्ता बना रही थी, जब भी किसी भी सेंटेंस में रही थी, रहा था, रहे थे, इस टाइप के सेंटेंस आते हैं तो आप समझ जाइए कि पास्ट कंटिन्यूअस है। जब पास्ट में कोई काम कंटिन्यू चलता है, जब खा रहा था, पी रहा था, बोल रहा था, दौड़ रहा था, तो वहाँ पे क्या आता है, वॉज आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वॉज आती है, और वर्ब के साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है, आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। इसको हम जीरेंट फॉर्म बोलते हैं या वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, पर वर्ब में क्या आता है, आईएनजी आता है। हम जो भी हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो कैसे समझते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है, वो देखते हैं सेंटेंस के पीछे से, रहा था, रही थी, इस तरह से सेंटेंस आते हैं, रहा था, रही थी, रही थे, तो वो समझ जाते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है। मगर जो तमिल के हैं, गुजराती हैं, भोजपुरी हैं, तो वो तो यल्ले वल्ले अल्ले मल्ले करते हैं, तो उन्हें क्या पता कि इसके पीछे से रही थी, रहा था, आता है, उन्हें तो कोई मतलब नहीं है ना इन सब चीज़ों से। तो उन उसके लिए क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है, वॉज होता है, और वर्ब में क्या आती है, आईएनजी आती है, फॉर्म आती है, ठीक है, क्लियर। तो मम्मी ने मुझे नाश्ता दिया, मैंने नाश्ता किया, उसके बाद मम्मी ने मुझे बोला बाजार से कुछ सामान लेकर आना है। आई शॉ द मदर मेकिंग ब्रेकफास्ट।
मॉम गेव मी ब्रेकफास्ट, मम्मी ने मुझे नाश्ता दिया, आई हैड ब्रेकफास्ट। आई हैड को हम आई एट भी बोल सकते हैं, आई हैड भी बोल सकते हैं ना, तो हैव की सेकेंड फॉर्म हैड। आफ्टर डैट उसके बाद मम्मी टोल्ड मी, मम्मी ने मुझसे कहा बाजार से कुछ सामान लेकर आना है। हैव टू ब्रिंग सम गुड्स फ्रॉम द मार्केट, गुड्स मैंने क्या होता है सामान, इट्स स्टफ भी बोल सकते हैं। मैंने नाश्ता किया, आई हैड ब्रेकफास्ट या आई वॉज ब्रेकफास्ट है ना, तो मैंने नाश्ता किया और तैयार हुआ और बाजार चला गया, एंड गॉट रेडी एंड वेंट टू द मार्केट। मम्मी ने मुझसे बोला था प्याज लेकर आना, टमाटर लेके आना और जो भी अच्छा लगे वो लेकर आ जाना। मैंने जो मम्मी ने बोला था वो सब लिया और घर आ गया। मम्मी टोल्ड मी टू ब्रिंग ऑनियंस, ब्रिंग टमाटोज एंड ब्रिंग वट एवर यू लाइक। आई टुक एवरीथिंग द मदर हैड सेड दैट केम होम। मैंने क्या किया, मैंने जो भी मम्मी ने बोला था वो लिया और घर आ गया। जब मैं घर आया, मम्मी ने मुझे पानी पिलाया या पानी दिया, ठीक है, मैंने पानी पिया, अचानक से मेरा फ़ोन आया। मैंने फ़ोन में बात की तो वह अमेजोन से था। अमेजोन डिलीवरी बॉय ने मुझे बाहर बुलाया तो मैं बाहर गया, मैंने अपना सामान लिया और मैं घर आ गया। When I came home, my mother gave me water. मेरी मम्मी ने मुझे क्या पानी दिया या पानी पिलाया, तो यहाँ पे gave me water. I drank water. मैंने पानी पिया, suddenly got my call. Suddenly मेरा फ़ोन आया. When I spoke on the phone, जब मैं फ़ोन में बात कर रहा था, he was from Amazon. वो कहाँ से था, Amazon से था. अब यहाँ पे was आया है तो इसको past continuous मत समझ लेना, ये state of being है। जहाँ पे कोई एक्शन काम नहीं होता है वहाँ पे हम वॉज यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ पे कोई काम नहीं होता, जहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता है वहाँ पे वॉज यूज़ करते हैं। वॉज हम दो जगह पे यूज़ करते हैं, एक पास्ट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं और एक स्टेट ऑफ बीइंग में यूज़ करते हैं। जैसे वो कमरे में था, वो पानी, वो कमरे में था, वो उदास था, वो पागल था, या फिर कुछ भी, वो कुछ भी जो भी, वो काला था, वो गोरा था, ये क्या है उसकी स्थिति है, उसके स्टेट ऑफ बीइंग, उसकी परिस्थिति है वो, है ना। और वॉज जो हम पास्ट कंटिन्यूअस में करते हैं, जो यूज़ करते हैं, वो क्या होता है एक्शन के साथ होता है, उसमें वर्ब में आई एन जी आती है, ओके। तो वो कहाँ से था, अमेजोन से थे। व्हेन द अमेजोन डिलीवरी बॉय कॉल्ड मी आउट, जब मुझे घर में नहीं, जब जो अमेजोन डिलीवरी बॉय था उसने मुझे कॉल, मैंने बाहर बुलाया उसने, आई वेंट आउट, मैं बाहर गया। आई टुक माई लगेज एंड आई केम होम, और उसके बाद क्या गया, घर आ गया। तो आपको पता चल गया किस तरह से स्टोरी हमने बोली, ठीक है। स्टोरी में हमने एक चीज़ आज नहीं ऐड की है, पास्ट कंटिन्यूस, उसमें सेंटेंसेस रहा था रही थे की तरह बनते हैं, रहा था रही थे इस तरह से सेंटेंस के पीछे आते हैं।